जाती है और देखने लगती है। ये आवाज तो वो जानी पहचानी सी लग रही है, ऐसा लगता है मैंने इस आवाज को कहीं सुना है। और वो सोच में पड़ जाती है, इस आवाज को मैंने कहाँ सुना है। और वो देखने लगती है और धीरे धीरे उठने लगती है। दीदी निधि सोचती है ये तो बेबे जैसी आवाज लग रही है या मेरी गलतफहमी है, और उठने की कोशिश करती है। तभी सोचने लगती है बेबे की आवाज लग रही है। और तभी सीन सीट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है रघु सोचना जी को धमकी दे रहा है कि अगर आपने मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं आपका काला चीटा सबके सामने खोल दूंगा। तभी रघु ऐसा बोलता है और वो कहता है कि खिलाफ मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, अगर आप नहीं चाहती हो किसी के सामने आए तो मेरा पैसा लौटा दीजिए आप, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होता होगा। तभी सुलोचना जी कहती है तेरा पैसा तो मिलने से रहा तुझे, और मैं नहीं दूंगी किसी जीवन पे तेरा पैसा, जो तुझे जो करना है कर ले। और वो साफ साफ इनकार कर देती है पैसा देने से। सुलोचना जी थोड़ी देर में फोन को कट कर देती हैं और सोच में पड़ जाती हैं इस गुंडे से कैसे बचा जाए।